प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना जो पाठ चल रहा था, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आसपास के पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है। तो ये पाठ का नाम है बच्चों, और कक्षा 9th, ठीक है। तो इसमें अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। सांद्रता को बोलते हैं एक हिसाब से मात्रा ही होगी बच्चों, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो अपन इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? क्रियाकलाप। और उस क्रियाकलाप में क्या है, दो अलग अलग बीकरों में 50 ml जल लें। जैसे हमने दो अलग अलग बीकर ले लिए, बीकर जो कांच का बना होता है और जिसमें पैमाना लिखा होता है भी, यहां तक 10 ml, यहां तक 20 ml, यहां तक 30 ml, ऐसे पैमाना लिखा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो कांच का बना हो गया और उसमें पैमाना लिखा होता है भाई, इस स्तर तक इसमें इतना इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिए दो बीकर, ठीक है, और इनमें डाल लिया बच्चों 50 ml पानी। कितना ml पानी डाल लिया? 50 ml दोनों के अंदर क्या डाल लिया? पानी डाल लिया, ठीक है। 50 ml क्या डाल लिया? पानी। और दूसरे में भी 50 ml क्या डाल लिया? पानी, ठीक है। 50 ml पानी, मिलीलीटर, ml मीन मिलीलीटर, ठीक है। तो देखो, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड, इसमें तो क्या डाल रहे हैं हम? नमक। और इसमें क्या डाल रहे हो? चीनी या फिर बेरियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है BaCl2। नमक या बेरियम क्लोराइड हमने डाल दिया, ठीक है। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले, तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर के पानी को गर्म करें। यानी इसको हमने दोनों को ही चम्मच से क्या कर लिया? चम्मच से इनको क्या कर लिया? घोल लिया, ठीक है। चम्मच से क्या कर लिया? घोल लिया। और जब ये और नहीं घुल रहे तो इसके इस पानी को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया? सेल्सियस तक गर्म किया, ठीक है। यानी इसको भी 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और इसको भी 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, ठीक है। बात समझ आ गई? दो बीकर लेते हैं, उनमें 50 ml पानी लेते हैं, दोनों के अंदर, एक के अंदर नमक और दूसरे के अंदर चीनी या बेरियम क्लोराइड, ठीक है, चीनी या बेरियम क्लोराइड, ओके। तो चीनी या बेरियम क्लोराइड हमने ली। जब विलेय पदार्थ, ये दोनों विलेय पदार्थ हो गए, नमक और इसमें हो गया चीनी या बेरियम क्लोराइड, ये जब नहीं घुलते तो इसके ताप को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया और विलेय पदार्थ को फिर से मिलाना शुरू कर दिया। हो सकता है पानी क्या हुए? ठंडा हुए। तो पानी को अगर गर्म करेंगे तो उसकी जो घोलने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता
तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के हो गए, एक हो गया संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दिए गए संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है भाई, उतना ही घुलेगा जितनी विलायक की घोलने की क्षमता होगी, नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और इस ताप पर संतृप्त विलयन से विलेय की मात्रा, इस ताप पर यानी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ताप पर यानी इस ताप पर, इस ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता यानी गोल विलेय के घुलने की क्षमता। घुलनशीलता कहलाती है यानी विलेय पदार्थ निश्चित ताप पर उतना ही घुल सकता है जितना विलायक की घोलने की क्या होगी, क्षमता होगी यानी विलयन की क्षमता होगी, ठीक है। तो निश्चित ताप पर यानी इस ताप पर विलयन में विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता यानी घोलने की क्षमता, ओके। यदि अब आ गया असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम हो, संतृप्तता स्तर से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है भाई। जितना विलयन घोल सकता है, विलयन के अंदर जो विलायक है वो विलेय को घोल सकता है, लेकिन विलेय पदार्थ जो है उससे उसकी संतृप्तता स्तर से कम घुला है, तो उस विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन। एक बच्चों अति संतृप्त, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त विलयन भी होता है, लेकिन वो आपके इसमें नहीं दिया हुआ। अति संतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से अधिक हो, संतृप्तता स्तर से क्या हो,
अधिक हो, यानी जितना विलयन की घोलने की क्षमता है उससे ज्यादा विलेय पदार्थ घुल रहा है, तो उसको अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, अधिक हो तो वह क्या कहलाता है, वह अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। यानी विलयन बेसिकली हो गए तीन प्रकार के। तो संतृप्त विलयन, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी उतना ही घुलेगा जितना विलयन की क्या होगी, घोलने की क्षमता होगी, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं, और दिए गए इस निश्चित ताप पर विलयन में विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, यानी विलयन की क्या कहलाएगी, घुलनशीलता, यानी किसी विलयन में विलेय पदार्थ की उतनी ही मात्रा घुल सकती है जितनी विलयन की घोलने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। और असंतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्ता स्तर से कम है, यानी जितना विलयन के घोलने की क्षमता है उससे कम उसमें विलेय पदार्थ उपस्थित है, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसके घोलने की क्षमता यानी संतृप्तता स्तर से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों विलयन की सांद्रता के बारे में, इसके बारे में विलयन की सांद्रता की क्या परिभाषा होती है और सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो विलयन की सांद्रता, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, विलयन की दी गई मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन में उपस्थित हो तो वह क्या कहलाती है, तो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उपस्थित हो तो वह विलयन की क्या कहलाती है, तो वह उस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। यानी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित होती है, दी गई मात्रा यानी द्रव्यमान हो सकता है अथवा आयतन में उपस्थित होती है, तो वह उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। तो इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में देखें तो विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा यानी द्रव्यमान में विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, या हम कह सकते हैं विलयन की सांद्रता बराबर
विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। तो ये तो द्रव्यमान के हिसाब से सांद्रता होगी, और ये किसके हिसाब से होगी, आयतन के हिसाब से। तो सूत्र हो गए दो, अगर द्रव्यमान के हिसाब से सांद्रता है तो ऐसे निकलेगी, और आयतन के हिसाब से सांद्रता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है। अब देखो विलयन की सांद्रता जो ज्ञात करने की दो विधियां है, एक तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत विधि और एक द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत विधि, ठीक है। एक द्रव्यमान बटे, तो विलयन की सांद्रता निकालने की विधियां हैं दो, ठीक है। तो वो आपको बता रही हैं, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, दो हो गई बच्चों, एक तो हो गई द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विधि, ठीक है, द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि, और दूसरी हो गई द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत विधि, ठीक है, दूसरी हो गई। वैसे तो काफी विधियां होती है लेकिन यहाँ पे दो गई यूज करेंगे, द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन प्रतिशत विधि। विलयन का आयतन प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, विलयन बटे आयतन विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विधि में, प्रतिशत है तो गुणा में 100 लग जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत विधि, एम बटे एम, शॉर्टली इसको क्या याद कर सकते हो, एम बटे एम, ओके। और इसको क्या यूज कर सकते हो, या इसको कैपिटल एम ले लो, ओके, और इसको एम बटे वी, मास बटे वॉल्यूम प्रतिशत विधि, ओके, एम बटे एम एंड एम बटे वी, ओके। तो इसमें क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और गुणा में विलयन का आयतन, गुणा में प्रतिशत विधि है तो
गुणा में 100 लग जाएगा, प्रतिशत की जगह गुणा में 100। 100 को आधार मानकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की दो विधियां हैं, द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विधि। इसमें फॉर्मूला लगेगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और एक ये होता है द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन प्रतिशत विधि। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, वो न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं अभी। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में एग्जाम्पल है 2.1। ठीक है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करो यानी गणना करो। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करो। ठीक है, उत्तर ये ग्राम ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, दोनों के द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विलायक यानी जल का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम, और साधारण नमक क्या हो गया, विलेय कौन हो गया, जिसकी मात्रा कम है, जो घुलने का काम कर रहा है साधारण नमक, उसका द्रव्यमान क्या हो गया, 40 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान विलयन कौन हो गया फिर, जल प्लस नमक ये विलयन हो गया, उसका द्रव्यमान दोनों को ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40 मात्रक ग्राम में 360 ग्राम। ठीक है, अब ये द्रव्यमान ही है, तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत में कैसे आएगी, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 100। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40, बटे विलयन का कितना है, 360, गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 × 36, अंश में 100 है, हर में 9 है, तो 9 × 9 एक बच गया, 0 उतारा 10 हो गए, 9 × 9 फिर 10 × 9 गया, 1 बच गया, पॉइंट दे दिया 0, 10 हो गए, 9 × 9 ऐसे एक 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 ये चलता रहेगा, तो 11.11 प्रतिशत क्या है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में। ठीक है, तो ये होता है बच्चों न्यूमेरिकल। यदि विज्ञान के अंदर गणित के प्रश्न आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है न्यूमेरिकल,
और हिंदी में कहा जाता है आंकिक प्रश्न। तो विज्ञान के अंदर अगर गणित के प्रश्न आ जाते हैं तो वो क्या होता है, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। तो ये सांद्रता से संबंधित एक आंकिक प्रश्न आपको दिया था, ये हमने आपको करा दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों निलंबन, किसकी बात कर रहे हैं, विषमांगी मिश्रण का प्रकार था निलंबन और एक प्रकार कौन था कोलाइडल। कोलाइडल निलंबन का उदाहरण, जो जल के अंदर हमने क्या बोला था, गेहूं का आटा या चोंक का चूर्ण, जिसमें जो कण होते हैं वो भौतिक दृष्टि से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, और जो अवयव होते हैं वो मिश्रण के अंदर अवयव भौतिक दृष्टि से दिखाई दे जाते हैं, वो विषमांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है निलंबन, ठीक है। तो निलंबन देखिए, निलंबन किसको कहते हैं, विषमांगी घोल होता है ये, ऐसा विषमांगी घोल जो जब ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाए, ऐसा विषमांगी घोल, ऐसा विषमांगी घोल, ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाए यानी मिल जाए लेकिन भौतिक दृष्टि से दिखाई दे, ठीक है, प्रक्षेपित का मतलब जो बाहर से तो दिखाई देता है लेकिन वैसे उस द्रव के अंदर मिला हुआ है, हो जाता है, क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए जो सह में हमने जल में चोंक का चूर्ण लिया था, और या फिर दूसरा उदाहरण जल में गेहूं का आटा, ये किसके उदाहरण है, निलंबन के। अब निलंबन के बारे में देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, निलंबन विषमांगी मिश्रण है, और जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, ठीक है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी घुले हुए प्रतीत होते हैं, बल्कि माध्यम जो द्रव है उसमें माध्यम की समष्टि में यानी समूह में समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी घुले हुए से प्रतीत होते हैं, निलंबित रहते हैं, ठीक है, और ये कण यानी विलेय पदार्थ के कण, ये कण नगन आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरणों के ये नोट करके आप देख सकते हो कि निलंबन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के गण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी घुले हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद देखो निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म देखिए। प्रॉपर्टी है इसकी पहली, ये एक विषवांगी मिश्रण है, यह एक विषवांगी मिश्रण है, विषवांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरा, इसमें इसके कण नग्न आंखों से यानी बिना किसी यंत्र से नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तीसरा हो गया, ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को, क्या कर देते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर होता है यानी दिखाई देता है, जिससे प्रकाश का मार्ग क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है, दृष्टिगोचर होता है यानी दिखाई देता है। और चौथे चौथे नंबर पे, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जब इसे जैसे मिट्टी पानी के अंदर घुली हुई है, जब शांत छोड़ दें मिट्टी नीचे पैंदे में बैठ जाएगी। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है, निलंबन अस्थायी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवें नंबर पे, छानन विधि द्वारा इन मिश्रण को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छानन विधि द्वारा, इसके कणों को, मिश्रण से अलग किया जा सकता है, मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ठीक है, मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई, मिश्रण से पृथक किया जाता है। और छठा, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो निलंबन समाप्त हो जाता है, निलंबन राय नहीं मिश्रण राय, तो निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी प्रकाश की किरण फिर नहीं फैलेंगी, प्रकीर्णन नहीं होने का मतलब प्रकाश की किरण का नहीं फैलना, ठीक है। और विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन, रुक जाता है, किरण का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। कण नीचे बैठ गए, उनके कारण तो वो प्रकाश की किरण फैल रही थी, तो कण नीचे बैठ गए तो निलंबन समाप्त हो गया, और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन यानी फैलाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये विषवांगी का उदाहरण है। अब दूसरा एक उदाहरण है विषवांगी का, कोलाइडल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण नग्नाकोज देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण जो होते हैं वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और जब इसको शांत छोड़ देते हैं तो कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन कोई स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इसके मिश्रण, इसके कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाएगा और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा, ये उदाहरण, ये नोट करके आपको बताया, तो ये आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।